हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लिब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो लिब्रा कैल्क की है, क्या सीखने वाले हैं आइए आपको बताता हूं। देखिए यहां पर ये लिब्रा कैल्क ओपन है। अब ये तीन ही सब्जेक्ट लिया है मैंने और इसमें बहुत सारे नाम भी मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि नरेश है, नीरज है, सूरज है, रत्नेश है, राघव, सचिन, राजू, श्याम और राम। अब इसमें हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कलर स्केल लगाना है। अब ये कलर स्केल लगाने का फायदा क्या होगा, जो सबसे कम नंबर होगा उसे अपने आप जो है रेड कलर प्रोवाइड हो जाएगा और जो एकदम जो है ज़्यादा नंबर होगा उस पर अपने आप जो है ग्रीन कलर आ जाएगा। तो अभी हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है और आपको कहाँ जाना है, सीधा कलर स्केल पे चले जाना है। कलर स्केल पे आ गए, बस आपको कुछ नहीं करना, सीधा ओके कर देना है। तो ओके कर दिया तो अब आप देखेंगे कि जो एकदम से ज़्यादा नंबर है उसको एकदम से ग्रीन कलर प्रोवाइड हो गया है और जो सबसे कम नंबर है उसको रेड कलर प्रोवाइड हो गया। ये बात मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, आप एक्सेल में भी ऐसा कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर कलर यहाँ पे येलो है या यहाँ पर देखिए ये एकदम से रेड है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ चेंजिंग करने वाला हूँ। क्या चेंजिंग करूंगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, हटा दिया, यहाँ पर व्हाइट आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं 99 लिख देता हूँ तो यहाँ ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। देखिए ना, ये ग्रीन हो गया। अगर देखिए ये येलो कलर है, यहाँ पर मैं हटा देता हूँ इसको और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक सपोज कीजिए यहाँ पर लिख देता हूँ 77। तो देखिए जितना ग्रीन 90 वाला है या 99 वाला है उससे थोड़ा सा कम ग्रीन होगा 77 वाला, ठीक है। देखिए 71 में और 77 में दोनों के ग्रीन कलर के अमाउंट में डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं और ये काफी आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। अगर इस तरह का डेटा आपको बार बार बनाना पड़ता हो और चीजें करनी पड़ती हो तो ये काफी हेल्पफुल भी हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।